बाधाएं आएंगी, संदेह करने वाले होंगे, गलतियां होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कोई सीमा नहीं है। कुछ भी तब तक संभव है जब तक आप चाहते हैं, आप उसके लिए काम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या सोचता है। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में आप पर दबाव डाल सकता है वह आप स्वयं हैं। यदि आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको वो काम करने होंगे जो दूसरे लोग करने को तैयार नहीं हैं। हर दिन अलग होता है और हर दिन कुछ अधिक रोमांचक लेकर आता है। मेरा मानना है कि लक्ष्य कभी भी आसान नहीं होने चाहिए। लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आपको काम करने पर मजबूर कर दें, भले ही वे उस समय असहज हों। जितना अधिक आप सपने देखते हैं उतना अधिक आप हासिल करते हैं। चीजें सही नहीं होंगी, यह इस बारे में है कि आप उन चीजों से कैसे अनुकूलन करते हैं और गलतियों से कैसे सीखते हैं। पृथ्वी पर हमारा समय पहले से ही कम है। मेरे लिए यह ऐसा है जैसे मैं हर दिन जितना संभव हो उतना खुश रहने की कोशिश करता हूं। जब मैं ध्यान केंद्रित करता हूं तो कोई भी एक चीज, व्यक्ति, ऐसी कोई चीज नहीं होती जो मेरे कुछ करने के रास्ते में आड़े आ सके। मेरे जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव आए हैं। मेरी कलाई टूटने के बाद मैंने जो सबसे बड़ी बात सीखी वह है, कभी हार मत मानना। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन बाधाओं से कैसे निपटते हैं। मैं खुद को एक आम आदमी की तरह सोचना पसंद करता हूं, जिसके पास एक जुनून है, एक लक्ष्य है और एक सपना है, और वो बाहर जाता है और उसे पूरा करता है। और वास्तव में मैंने इसी तरह अपनी सारी जिंदगी जी है। पलक झपकते ही चीजें बदल सकती हैं। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने कब ट्रेनिंग नहीं की थी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैसे शुरुआत करते हैं, बल्कि यह है कि आप इसे कैसे खत्म करते हैं। एक बात जो सभी सफल लोगों में समान होती है, वे ऐसे काम करने की आदत बना लेते हैं जो असफल लोग करना पसंद नहीं करते। मेरा मानना है कि वास्तव में माइंड सारी चीजें कंट्रोल करता है। आप किसी भी चीज पर कोई सीमा नहीं लगा सकते। आप जितना अधिक सपने देखेंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, प्रतिबद्धता और साहस, ये चीजें वास्तविक हैं। मुक्ति की इच्छा आपको प्रेरित करती है। मैं पीछे मुड़कर देखने में सक्षम होना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था और मैं सफल रहा। मैं पीछे मुड़कर यह नहीं कहना चाहता कि मुझे यह या वह करना चाहिए था। मैं आने वाली युवा पीढ़ी के तैराकों के लिए चीजें बदलना चाहूंगा। यदि आप कहते हैं आप नहीं कर सकते तो आप उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जो आप कर सकते हैं या जो कभी करेंगे। रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए ही बनते हैं, चाहे वे कोई भी हो। कोई भी कुछ भी कर सकता है जो वह ठान ले। आपके पास जो कुछ भी है उसके बावजूद अपने लक्ष्य के पीछे जाना कभी भी असफलता नहीं है। यदि आप अपना मन उस चीज पर लगा दें जिसका आप सपना देखते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। मैं सबसे अच्छी और सबसे खराब स्थिति की कल्पना करूंगा, चाहे मैं अयोग्य घोषित हो जाऊं, या मेरे चश्मे में पानी भर जाए, या मैं अपना चश्मा खो दूं, या मैं सबसे आखिर में आऊं, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। मैं जो कर रहा हूं उस पर कोई भी सीमा नहीं लगाएगा। ऐसा कुछ करने में
सक्षम होना जो पहले कभी नहीं किया गया, यही तो मैं हमेशा से करना चाहता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो प्रथम होने के मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा हो। लोग मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें दुनिया देखने को मिलती है, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं होटल और पूल तक जाता हूं और फिर वापस आता हूं, बस इतना ही। मेरा मानना है कि अभ्यास से आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और एक लक्ष्य के साथ आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। इतने सारे लोगों के यह कहने के बावजूद कि यह नहीं किया जा सकता, इसके लिए बस एक कल्पना की जरूरत है। जब आप अपनी कल्पना का प्रयोग करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं अपना अधिकतम परीक्षण करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मैं कितना कुछ कर सकता हूं, और मैं तैराकी की दुनिया को बदलना चाहता हूं। तैराकी हर 4 साल में एक बार होने वाले खेल से कहीं अधिक है। मेरा लक्ष्य तैराकी की ओर ध्यान आकर्षित करना है, इसे कुछ व्यक्तित्व देना है। बहुत कम उम्र में मैंने अपने लक्ष्य लिख लिए ताकि मैं हमेशा देख सकूं कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, और मैं उस लक्ष्य पत्र को देखूंगा और सोचूंगा, मैं अभी भी यह करना चाहता हूं, तो मैं फैसला करूंगा कि मैं नहीं छोड़ रहा हूं। तैरना मजेदार है, यह गोल्फ से भी कहीं ज्यादा मजेदार है। मैंने अपना कैरियर वैसे ही खत्म किया जैसा मैं चाहता था। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं वह है खेल में नए चेहरों को शामिल करना। जिन बच्चों को पानी से डर लगता है उन्हें पूल में सहज महसूस कराना। तैरना मेरे लिए सामान्य बात है। मैं आराम से हूं, मैं सहज हूं, और मैं अपने परिवेश को जानता हूं। यह मेरा घर है। यदि मैं अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे सर्वोत्तम स्थिति में रहना होगा। मैं नहीं कहूंगा कि कुछ भी असंभव है। मेरा मानना है कि जब तक आप उसमें अपना मन लगाते हैं और उसके लिए काम करते हैं, समय देते हैं, सब कुछ संभव है।